डॉक्टर साहब, आजकल तो आई थिंक हमारे यहाँ ये काफ़ी एक कॉमन इशू है। अक्सर लोग आपके पास भी आते होंगे और कहते होंगे हमारे कंधों में खिंचाव है, लेकिन हमें इसकी वजह पता नहीं चल रही। बिल्कुल, बेशुमार पेशेंट्स आते हैं। इनफैक्ट आज जब मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में था तो कम से कम कोई 5 या 6 पेशेंट्स इसी कंप्लेंट के साथ आए। आमतौर पर एक और वर्ड इसमें ऐड कर लें, जो मैं पेशेंट के अल्फाज बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल समझे कि पेशेंट ऐसे बता रहे होते हैं मुझे, डॉक्टर साहब मेरे कंधों में और गर्दन के पट्टों में ऐसे लगता है कि जैसे कोई लोहे का फ्रेम चढ़ा दिया किसी ने। अच्छा, ऐसे भी नहीं कर सकती, ऐसे भी नहीं कर सकती। और देखा जाए तो वैसे देख रहे मेरे कंधे ठीक है, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी, शुगर भी है कुछ 10-10 साल से शुगर भी है। अच्छा। मुझे मगर थोड़ी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी मेरा ठीक है, पर इनको नहीं मैं ठीक कर सकती। ये क्या हुआ, दर्द की गोलियां खाती हूँ, कुछ 4 घंटे गुजर जाते हैं, अब क्या करूँ। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें, इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक रिलेटेड मायोपैथी, डायबिटिक रिलेटेड न्यूरोपैथी। ओके, ये ओबेसिटी के साथ भी इसी तरह लिंक्ड है। बाज़ दफ़ा पेशेंट कहेगा जी मुझे शुगर भी नहीं है, मेरे कंधों का अकड़ाव जो है वो समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे लगता है कि जकड़े हुए। असल लफ्ज़ है जकड़े हुए, अकड़ाव और जकड़े हुए। ठीक, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ इसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है। बस ये पहले मेक श्योर करना है कि आपको थायराइड तो नहीं है। okay. आपको आयरन की कमी तो नहीं। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके बॉडी के अंदर किसी और ज़रूरी चीज़ की कमी तो नहीं। आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें ठीक है, फिर इसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है और इसका रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। right. अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट में कोई मेडिकेशन है या फिर इसको सिर्फ अपनी मोटापे को कंट्रोल करके या डायबिटीज़ को कंट्रोल करके ठीक किया जा सकता है? जी, आपका सवाल है कि क्या कंधों के अकड़ाव या गर्दन के अकड़ाव या खिंचाव की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है? मेरा इसका जवाब है बिल्कुल है। और अभी वज़न देखें, पेशेंट को क्या हम 1-2 साल तकलीफ़ में ही छोड़ देंगे वज़न कम होने में? तो वज़न 1 साल में ऊपर गया नहीं था। लोग चाहते हैं पता क्या कि डॉक्टर साहब हम आपके पास आ गए और हमारा 10 दिन में वज़न कम होना चाहिए। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि वज़न कितनी देर में ऊपर गया, डॉक्टर साहब इसको तो कुछ 10-10 साल लगे ही है ना। ठीक है, तो अब 10 दिन में नीचे आना चाहिए। इतनी जल्दी वज़न नीचे आएगा तो कोई ना कोई अज़ाब फेल हो जाएगा। ठीक, ये डॉक्टर फवाद नहीं कर सकते। ठीक, मगर मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि बी पेशेंट, थोड़ा सा सब्र से चलें, ये पॉसिबल है। बेशुमार लोगों को अल्लाह ने शफा दिया तो आपको भी मिलेगी। तो मेरा इसके अंदर जवाब है कि इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है और इसका रिस्पांस विद इन 1 मंथ आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो ये मेरे पेशेंट भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो दे नो दैट कि देर इज़ ए बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल इंशाल्लाह। right. जी ठीक है डॉक्टर साहब, कंधों का खिंचाव को अक्सर लोग जो है वो ओवर स्ट्रेस या फिर काम के ओवर बर्डन से भी समझते हैं कि ये इसकी वजह से है। उसके भी सेम सिम्टम्स होते हैं और कंधों का खिंचाव क्या स्ट्रेस की वजह से और ओवर बर्डन ऑफ वर्क की वजह से भी हो सकता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी वेरी वेल टाइम्ड। आई थिंक द आंसर इज यस। डिप्रेशन हैज़ वन सिम्टम विच कैन कॉज द मसल स्ट्रेन। मगर यहाँ पर बताना ये ज़रूरी है कि यहाँ पर के पेशेंट को जब इससे पहले देखे, जब बड़ा आसान है किसी मरीज को ये कहना कि तुम्हें तो डिप्रेशन है और हालांकि उसको थायराइड भी हो, तुम्हें तो डिप्रेशन है हालांकि उसको खून की कमी भी हो। ठीक, तुम्हें तो डिप्रेशन है, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब है कि ये लो या तो दवाई खाओ या तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक। मगर मेरा यहाँ पर जवाब ये है कि आप इससे पहले के डिप्रेशन को लेकर मेरी लिस्ट में डिप्रेशन सबसे नीचे है। सही, यानी जब मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं फिर मुझे वजह नहीं मिली तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रेस है और डिप्रेशन है। मगर USA के अंदर या इंटरनेशनल मेडिसिन के अंदर ये रूल है कि आप डिप्रेशन पे छलांग मत लगाएं। पहले मेक श्योर करें कि पेशेंट को कुछ और तो नहीं है जो ट्रीटेबल है, क्योंकि अक्सर ऐसे देखा है मेरे पेशेंट्स में जी डिप्रेशन की दवाई डॉक्टर ने दे दिया, बाद में पता चला तो ये तो थायराइड था, थायराइड की दवाई थी, उसकी डिप्रेशन की दवाई छूट गई। ओके, अच्छा पेशेंट को जी बड़े अरसे से डिप्रेशन की दवाई दे, पता चला जी इसको तो खून की कमी थी, इसको आयरन की ट्रीटमेंट मिली है और अब तो ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ऐसे लगता है मैं डिप्रेशन की दवाई महीना हो गया नहीं ली, असल में पहली दफ़ा में ही गलत शुरू की गई थी। ओके, तो इसलिए प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। किसी तरह B12 की कमी की वजह से भी ऐसे हो सकता है, ये भी विटामिन है। तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के सामने और लोगों से बेखबर हैं। मैं ये कहूँगा कि आप इससे पहले कि उसे अपने आप को लाइलाज समझे, इन चीज़ों की ट्रीटमेंट मौजूद है जिनका अभी मैंने जिक्र किया है और ये इसका रिस्पांस अच्छा है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।